गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण। संज्ञा मैं आपको संज्ञा बता चुकी हूँ। संज्ञा के बारे में किसी वस्तु स्थान प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ। प्रत्येक के लिए तीन तीन संज्ञा शब्द लिखो। व्यक्तियों के नाम संज्ञा होती है, व्यक्तियों के नाम, तो व्यक्तियों के नाम आपको तीन लिखने हैं। तीन नाम लिखिए, विमल, राकेश और सुधीर। ये तीन क्या है? व्यक्तियों के नाम। अब आपको तीन पक्षियों के नाम लिखने हैं। पक्षी जानते हो? मोर, तोता, एक नाम और बताइए, कौआ। ये आपके हो गए पक्षियों के नाम। अब आपको तीन नगरों के नाम, तीन नगर, नगर यानी सिटीज नेम, शहरों के नाम, नगरों के नाम, कानपुर, आगरा, एक नाम और बताइए, कानपुर, आगरा, फतेहपुर, जो भी आपको याद हो वो तीन नाम लिख लेना। भावों के नाम संज्ञा, भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। भाव यानी बचपन, बुढ़ापा, जवानी, गर्मी, सर्दी, बचपन, बुढ़ापा, गर्मी। भाव किसको कहते हैं? जिस चीज को ना हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा को हम ना देखते हैं, केवल महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति बूढ़ा है। बुढ़ापा, बचपन, गर्मी। फूलों के नाम गुलाब, कमल, सूरजमुखी। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी। ये आपके तीन नदियों के नाम हैं। ना होमवर्क, नोट एंड लर्न। अब वर्क आपको ये दिया हुआ, वर्क की नोट करना है और लर्न करना है। ओके।